नगर परिषद बैराड़ के फर्जी कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली से परेशान ट्रक चालक ने कराई थाने में रिपोर्ट दर्ज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा पत्र को लागू कर मई 2023 से हाथ ठेला लोडिंग वाहन समेत सभी गाड़ियों से वसूली बंद कर दी गई, परंतु कुछ लोगों द्वारा नगर परिषद के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस घटना का जीता जागता उदाहरण आज सबके सामने आते ही ट्रक चालक ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आवेदन आसाराम परिहार ने बताया कि मेरा ट्रक नंबर MP09MH7178 है, जिसमें मैं अल्ट्राट्रेक सीमेंट लेकर बैराड़ आया हुआ था। वही नगर परिषद के कर्मचारी संजय गुप्ता और राजकुमार मुदगल ने मेरी ₹150 की रसीद काट दी, जो अवैध है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने 5/6/23 से वसूली बंद कर दी है, परंतु बैराड़ नगर परिषद ने माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं नगर परिषद सीएमओ से इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा, हमारे द्वारा कोई वसूली नहीं की जाती है, अगर ऐसा कोई तत्व पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका ही अवैध वसूली हो रही है। रानू मुदगल और क्या नाम है और तो मैं जानता नहीं हूँ, कल भैया मांगने आए थे लेकिन भैया हम नहीं दे पाएंगे। अब से 3 महीने से बंद है पर्ची, हम लोग पैसे नहीं देंगे। ये तेरा आसाराम? अच्छा, कहाँ से हो? भदौरा। अच्छा, ये गाड़ी लाए हो तुम तो, मतलब ये भगवार से गाड़ी लेके आया हूँ सीमेंट की, अल्ट्राट्रेक की। अच्छा, तो ये काई के लिए आवेदन दिया है आपने? एकदम थाने में जी, नगर पालिका। हाँ, क्या मतलब क्या आए? रानू और संजय गुप्ता। काई के लिए? बोले नगर पालिका की पर्ची कटवा उसका। अच्छा, अवैध वसूली के लिए आए? हाँ, अवैध वसूली। अच्छा, तुमने क्या दिया आवेदन दिया है थाने में? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई चाहती हो तुम? कार्रवाई चाहते हैं सर, ऊपर से ही बंद हो गया तो फिर क्यों ले रहे हैं हमसे? अच्छा,